बात अब तक बनी हुई है। गंज बख्श फैज़े आलम मजहर नूर खुदा, हजरत दाता गंज बख्श के मजार को गुसल देने की रूपरवर तकरीब। मजार मुबारक को अर्के खुलाब से गुसल दिया गया, फूलों की चादर चढ़ाई गई। तकरीब में वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार, सूबाई वज़रा, अरकीन असम्बली और महकमा औकाफ के हुक्काम की शिरकत। कुरान खानी और दरूदो सलाम की सदाओं से फजा मुअत्तर, बड़ी तादाद में अकीदतमंदों की मजार पर हाजिरी। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो और शुहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश। शहर भर में शुहदाए करबला की अजीम और लाजवाल कुर्बानी की याद में नौवीं मुहर्रमुल हराम की मजाले से आजा और जुलूस। आजादारों की गमे हुसैन और शुहदाए करबला की याद में मातमदारी, नोहा खानी। शाह अस्त हुसैन पादशाह अस्त हुसैन, पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद होने वाला शबीए जुलजना का मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों पर रमा दवा। हजारों अजादारों की गमे हुसैन में नोहा खानी और मातमदारी। नूरी बिल्डिंग में अलामा हसन अब्बास नकवी की इमामत में नमाज जोहरैन अदा की गई। जुलूस आलमगीर रोड, सिराज बिल्डिंग और पुरानी अनारकली से होता हुआ खेमा सादात पहुंचेगा। जुलूस में शामिल होने के लिए अजादारों की एंट्री पॉइंट्स पर लंबी कतारें। मसलक में वफादारी है, मनसब में अलमदारी है। अब्बास कहते हैं, मुझे अब्बास कहते हैं, मुझे अब्बास कहते हैं। इमाम बारगाह अतिया अहले बैद निकलसन रोड से बरामद होने वाला शबीए जुलजना और ताजिए का जुलूस इख्तिताम पजीर। सैकड़ों अजादारों की गमे हुसैन में मातमदारी, नोहा खानी। इमाम बारगाह अतिया अहले बैत में मजलिस आज़ा का अहतमाम। अलामा जुल्फिकार हुसैन नकवी ने फजाइल व मसाइब अहले बैत बयान किए। शादमान इमाम बारगाह कसरे बतूल में मजलिस आज़ा के बाद शबीए जुलजना का जुलूस बरामद। सैकड़ों अजादार गमे हुसैन में गिरिया जारी और सीना को भी करते रहे। शोहदाए करबला की प्यास की याद में जगह जगह दूध पानी और शरबत की सबीलें। अजादारों में नियाज और लंगर तकसीम। हलीम और बिरयानी की देगें तैयार। मजंग में दो भाइयों की लंगर तकसीम करने की रिवायत। लंगर के लिए 200 देंगे पकाई गई। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान का कंट्रोल रूम का दौरा, मॉनिटरिंग के अमल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर अनवारुल हक की ब्रीफिंग। अब्दुल अलीम खान की सिक्योरिटी और दीगर सहूलतें यकीनी बनाने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अकबर दुरानी का सेक्रेटेरिएट में महकमा दाखला के कंट्रोल रूम का दौरा। आशूर पर सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। नौवीं मुहर्रम के जुलूसों और मजालिस के लिए सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम। जुलूस के रूट से मुतसल रास्तों पर खारदार तारें और वॉक थ्रू गेट्स नज़र। छतों पर स्नाइपर तैनात। शहरियों को जामे तलाशी के बाद जुलूस में शामिल होने की इजाजत। डिप्टी कमिश्नर अनवारुल हक का जुलूस के रूट का दौरा। सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। जुलूस के रास्तों पर मोबाइल फोन सर्विस बंद। आज और कल डबल सवारी पर पाबंदी रहेगी। मेट्रो बस सर्विस का रूट भी महदूद। कंट्रोल रूम से जुलूसों और मजालिस की हर पल मॉनिटरिंग। फजाई निगरानी भी होगी। जुलूसों के रूट के इतराफ ट्रैफिक को रवा दवा रखने के लिए भी इंतजाम। 2 एसपी, 4 डीएसपी और 310 ट्रैफिक वार्डन तैनात। नौवीं मुहर्रम पर शहरियों को अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी। एसाले सवाब के लिए फातेह खानी।
फूल रखे, शहरियों की बड़ी तादाद कब्रों की सफाई सुथराई और मुरम्मत करने में मसरूफ। अडियाला जेल से रिहाई के बाद नवाज शरीफ और मरियम नवाज जाति उम्रा में मौजूद, बेगम कुलसुम नवाज की कब्र पर हाजिरी फातह खानी की। नवाज शरीफ हफ्ते को लीगी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। नवाज शरीफ की सजा मौतली, अदालतों का फैसला है। सजा मौतली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाना नैब का काम है, हमारा नहीं, सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगु। तहरीक इंसाफ अवाम से किए गए वादे पूरे करेगी, वजीर आजम ने सादगी और किफायतशारी की मिसाल कायम की है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार से अरकीन असम्बली और तहरीक इंसाफ के अहदेदारों की मुलाकात, तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी इम्कानात हैं, हुकूमत काटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के फरोग के लिए इकदामात कर रही है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से जर्मनी के 6 रुकनी वफ की मुलाकात। और सूबाई वजीर इंसानी हकूक आलम एजाज और वजीर कानून पंजाब राजा बशारत से यूरोपीय यूनियन के वफ की मुलाकात। एंटी करप्शन और नैब की कारकर्दगी से मुतालिक वफ को ब्रीफिंग, इंसानी हकूक और अकलियतों के लिए किए गए इकदाम पर तबादला ख्याल।